रख दी ले। बच्चे लोग बोल रहे थे पर कि ब्लॉगर आंटी आ गई, तो पता नहीं बच्चे कहाँ चले। थैंक यू सासू जी ने मेरे को ले चीज दी है। बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी हो रहा है शाम के 5:30 और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी शाम के 5:30 बजे से हो रही है और मैं जा रही हूँ अभी अपने गौशाला हरतोली में। अभी का मौसम ना हल्की हल्की बादल लगे हैं, लेकिन आज पूरे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हुई ना, बहुत ज़्यादा उमस सी आ रही है, तो लगता है कि शाम को या कल को बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, क्योंकि आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी, अभी भी ना इतनी पसीना आ रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत है मैं शाम से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा चलिए चलते चलते थोड़ा आप लोगों के साथ बातें कर लेते हैं। बाकी अभी मैं जा रही हूँ अखवा डाले में, और आजकल ना हमारे यहाँ पे मंडवा देखो कितना बड़ा हो गया। ये देखो मोया लगाया है कुछ ही टाइम पहले इसमें, और आजकल इतना बड़ा हो गया है तो मंडवे में ना बहुत सारी चीज़ें बोई रहती है। एक तो मंडवे में भट्ट बोए रहते हैं, सफ़ेद वाले भट्ट, सोयाबीन भट्ट, काले भट्ट, काली दाल और राइस वाली दाल, बहुत सारी चीज़ें ना मंडवे में एक साथ बो रही होती है। रामदाना जिसे ना वो मंडवे में बोई रहती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको इस वाले खेत में कितनी सारी चीज़ें बो रही है एक साथ में। इधर देखो ये मरचा, ये वाला ना, यहीं पे ना काले भट्ट, सफ़ेद भट्ट सब कुछ मिक्स कर रहे होते हैं। और इधर मेरा गांव, और आज का मौसम बहुत अच्छा। अरे ये पीछे आ रहे हैं मेरे पीछे देश वाली लोग भी आ रहे हैं आजकल छुट्टियां मनाने घर, क्योंकि इनको हो रही है देहरादून में बहुत ज्यादा गर्मी, हरिद्वार देहरादून में गर्मी, अयो ये ठंड खोजने हमारे पहाड़ों में आ गए भाई। हाय देहरादून वालों, ये देहरादून वाले हैं दीदी जो कि कल वाली वीडियो में थे, सासू जी बन इनकी दीदी के बने सासू, और सासू जी हरिद्वार में रहते हैं, दीदी लोग अभी हरिद्वार ऋषिकेश में रहते हैं। तो आजकल इनको पहाड़ों में बहुत ठंडी हवा मिल रही होगी और देहरादून में तो बहुत गर्मी हो रही होगी, हरिद्वार में भी गर्मी हो रही है। हाँ जी तुम आ जाना, अच्छा लंगड़ो आजकल देखो हमारे यहाँ पे ना लंगड़े की सब्जी ना सबसे ज्यादा होती है, और पहाड़ी लोग ना लंगड़े की सब्जी तो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मार्केट से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और दीदी सासू जी लोग जा रहे हैं लंगड़े की सब्जी लेने, उन दो चैनी की गरीब होना था। अच्छा कह जाना उन दो, अच्छा तो ये जा रहे हैं कल अपने देश प्रदेश और लंगड़े की सब्जी लेके जा। अब अगल बगल पड़ोसी बोलता भी लेना क्या होता खाली, अच्छा तो बगल पड़ोसियों के लिए लंगड़े की सब्जी लेके जा रहे हैं बस, और मुझे रास्ते में मिल गए तो मैं भी जा रही हूँ अभी गौशाला में। तो सासू जी ने मेरे को ले चीज दी है बहुत बड़ी बड़ी वाली, रास्ते में मिल गई लीची। कितनी अच्छी, पहले ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि ये उसके अंदर ना जो ये फिसलन वाली नहीं होती है ये, और मुझे ना बहुत अजीब सा होता था, मैं नहीं खाती थी। अब ठंडी होती है, अच्छी देहरादून से आई है लीची आज है, देहरादून से मेजर ससाई ना, अच्छा मुझे काज वाओ बड़े से नहीं, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप ले लो भाई, आप इधर से जा रहे साफ उधर से, बाय थैंक यू लीची देने के लिए थैंक यू। अभी मैं गौशाला में आ गई हूँ और आज मैंने अपनी गायों को थोड़ा लेट में बाहर निकाला है, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट में आई हूँ। अभी मैंने इनको बाहर निकाल दिया है, उनके पास घास डाल दिया, तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा पानी के लिए। तो मैं अभी आ चुकी हूँ गधेरे में पानी के लिए, और यहाँ पर मैं कुछ दीदी लोग लगा रहे हैं मोया, अभी कर रहे हैं हमारी दीदी लोग गुड़ाई, हेलो दी हाय, और मेरे को ना उदास से भटिया रही थी कि हमको भी वीडियो में निकाल दे थोड़ा सा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ पे कर रहे हैं दीदी लोग मंडवे की गुड़ाई, तो कुछ लोग मंडवे में मोया लगा रहे हैं और कुछ लोग गुड़ाई भी करने बैठ गए। हेलो हाय, और दीदी लोग रहते हैं कहाँ? रुड़के, तुम रुड़के रहो ना, दिल्ली दिल्ली, दिल्ली गर्मी बाबू। मुझे पता भी नहीं है, ये हमारी जेठानी जी है हमारे परिवार की है और ये रहते हैं दिल्ली में, तो कल आए हैं घर
और अजी अभी बोल रहे थे कि मेरे को वीडियो में निकाल दे, तेरी वीडियो डेली देखती हूँ। अब बच्चे लोग आ गए, बच्चे लोग बोल रहे थे बल्कि ब्लॉगर आंटी आ गई, तो पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। बोल रहे हैं कि हमको ब्लॉग में निकाल दे, ब्लॉगर आंटी की वीडियो हम डेली देखते हैं, तो अच्छी बात है और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस और क्या बोलना यार, हमारे घर में तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा, यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा है, दिल्ली में तो गर्मी से मर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ कदा आया छोटे छोटे आप रोल बेचारे। मैं अभी खेत में आ चुकी हूँ और मैं घास के लिए जा रही थी, तो ये रेखा दीदी लोग हैं यहाँ उधर में गुड़ाई कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि हमारा एक पेड़ है यहाँ पे खड़ी का पेड़ है, तो इससे इस पे से घास निकालना है, तो ये लोग तो जा नहीं पाते हैं, तो मुझे ही इस पे जाना होगा। घास काटने से पहले ना मैं रेखा दीदी लोगों पर थोड़ा प्रैंक कर रही हूँ, ठीक है, ठगा रही हूँ मैं ना इनको ठगा रही हूँ, ठीक है। आप भी देखो प्रैंक कर रही हूँ मैं इन पे ना, आप देखना मेरे पास कुछ है क्या। मैं मजाक में बोलूँगी इनको कि मेरे पास कुछ है आपके लिए और इनको ठगाऊँगी मैं, तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इन पर प्रैंक कर रही हूँ मैं थोड़ा। यहाँ पे लगे हुए हैं, हाय हेलो, ये रेखा दीदी है और ये है रेखा दीदी की दीवरान रंजू, यानी कि हमारी देवरानी। ये लोग भी देहरादून में रहते हैं। हाय खाला, ये ना बहुत बार बोल रही थी कि मेरे को वीडियो में मेरे को भी निकाल दे, अपने ब्लॉग में मेरे को भी निकाल दे। अब देखो सामने से, इधर कर लो मुंह इधर कर, आपको देख के लग भी रहा है कि ये देहरादून में रहती होगी। इससे मोटी तो रेखा दीदी हो रही है, इसको देखो जैसे कि सारे देहरादून की गर्मी इसी के शरीर में बैठ गई होगी। टका लिया मैंने इनको, मैंने इन पे प्रैंक किया था, मेरा प्रैंक सक्सेसफुल हो गया। अब आते सच्चे जाने ले अरे कभी बिदा आ रहे तो चुकोण तो बोल बैंड ठीक है ये दाव पे गत हो दगड़ो यमने वो इनो उगा लगो का तो सर ले लो आ रहे तो सच्ची मत ओणो अरे पकड़ ना ले ला ना खोलो हाथ लीजी ले थैंक यू। ये लीजिए भी मुझे ना एक सासू जी ने दिए थे ऊपर में, अच्छी धान की वो रखी है ना, पर लोग हो गए यहाँ पे तो धान की रुपाई होती है, पर हमारे यहाँ पे रुपाई नहीं होती, रुपाई तो शेरों की जगह होती है ना। रेखा दीदी लोग के मायके में भी होती है रुपाई, रेख दी इनके मायके में भी थोड़ा बहुत रुपाई होती है, लेकिन हमारे इधर साइड तो रुपाई तो होती नहीं है, बस हम गुड़ाई करते हैं। यहाँ से है इनके खेत और ऊपर जहाँ वो रास्ता दिख रहा है ना वहाँ तक है, और मैं जा रही थी घास के लिए, मेरे को यहीं पे रोक दिया कि बल मैं पेड़ पे नहीं जा पाती हूँ, तू पेड़ पे जा घास काट। सदा इन भैया नहीं भगवान ये चाहे दे रहा तुम दे रहा है मोटा बहुत चलो तुम वही बल मैं सकाल तो दिखो आप। अरे राम आ जा, दाणी दाणी वे गया ये कमजोर है तेरा दून बा खूब मोटी जे आजल घर में था कमजोर वे धान कर करी ये बुली क्या गन क्या गन ठीक तैयार। इनकी बातें तो कभी पूरी होती ही नहीं है, मैं तो जाती हूँ पेड़ पे अगर मैं हाँ खड़ी दे खड़ी मैं पेड़ पे जा रही हूँ, तो मैं खाली हाथ सची जाऊंगी यार गौशाला में, मेरे नहीं है गाजी पाती क्या मैं डावा पर जोल यार, आप लोग भी सोचा मैं डावा पर जोल मैं ऋतु से जोल गोर हाँ ना हम गोरा जा दो दिन पर ठीक हो यार दगड़े बीमार से हुई हूँ दो दिन पर ठीक हो पते पुछड़ हुए दुखी जे होते पुछड़ा पा ठीक के नहीं होड़ो के सुकेल पर ठीक के नहीं होड़ो यार। आज का प्रैंक तो सक्सेसफुल हो गया है और इतनी ज़्यादा हंसी आई ना मेरे को कि मैं क्या ही बोलूँ अब। और अब मुझे जाना है इस वाले पेड़ पे, यहाँ देखो
और यहाँ से काटना है मुझे घास। तो चलिए मैं अभी चलती हूँ पेड़ पे, और बाकी वो लोग तो उधर ही गुड़ाई कर रहे हैं और मुझे जाना है यहाँ पे। तो फिर ना मैं घास काटने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं पेड़ से घास काट के नीचे आ चुकी हूँ, और एक टहनी की ना मेरी यहाँ पे लगी, बहुत दर्द हो रहा है, इतना काट दिया मैंने। अभी रंजू कर रही है इसको इकट्ठा। यहाँ ऊपर तक गई मैं, ऊपर जहाँ पे वो काटे दिखाई दे रहा वहाँ तक। तो चलिए अभी रस्सी में रखते हैं, फिर चलते हैं गौशाला। अभी 7:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं गौशाला से घर में आ चुकी हूँ, और अभी बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला है, और आजकल 7:30 बजे तक भी इतना उजाला है। और अभी मैंने चाय रखी हुई है, और इस कुकर पे मैंने आलू रखे हुए हैं, वो भी घर के अपने बगीचे के प्योर घर के आलू हैं जो हमने अपने बगीचे में लगाए थे। तो अभी मैं इनको उबालने के लिए रख रही हूँ, तब भी मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।